ये देखो, ये मार्केट का शोरूम है और ये सामने ही दो गाड़ियां खड़ी हुई हैं। आज भाई जान, मैं आपको गाड़ियां दिखा देता हूँ। आज ये देखें, ये दो गाड़ियां खड़ी हैं मैंने जो आपको बताई थी ना। अच्छा, तो ये दो वो गाड़ियाँ हैं, एक निसान ये वाली होगी। हाँ जी, जो आप चेक कर लें। अच्छा, और ये साथ दूसरी प्रियस है। कंडीशन तो इन गाड़ियों की बहुत अच्छी लग रही है मुझे। लेकिन इस प्रियस पर जो पेंट हुआ है, ये उतारना पड़ेगा। यही वो दो गाड़ियां आप मुझे बता रहे थे साकिब भाई। हाँ जी, ये यही दो गाड़ियाँ, एक निसान और दूसरी ये प्रियस। अच्छा, तो मॉडल कौन से इन दोनों गाड़ियों की? जी, ये सब डिटेल आप माइकल भाई से पूछ लें, गाड़ियों की प्राइस और गाड़ियों के मॉडल। अच्छा, जो शोरूम के मालिक हैं वो? हाँ जी, शोरूम के वो मालिक हैं। आई, मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। आ जाए। हाँ, अच्छा, चलें उनसे भी मिल लेते हैं। मिल लेती हूँ। मगवाई मगवाई जी। और जी पापा हाँ, साकी भी बोलो। पापा वेकी वेकी। किधर है तुम्हारे? अच्छा, पापा इधर ही है ना, ऊपर होंगे। ऊपर चेक करें, शायद ऊपर हो। ऊपर है। अच्छा, ठीक है ठीक है। आज भाई जान, ऊपर होंगे वो माइकल भाई। उनसे आप सारी गाड़ियों की डिटेल पूछ लेना ना, बात वगैरह कर लेना। मुझे उम्मीद है वो मुनासिब रेट पे आपको दे देंगे। हाँ जी, बस मुनासिब रेट पर ही हो गाड़ी। आ जाए आ जाए। वो देख, वो खड़े हैं माको भाई। माको भाई, माको भाई, माको भाई। हाँ, बोल साकिब, क्यों चिल्ला रहा है? माको भाई, मैंने आपको बोला था ना, एक डीलर मैं ले आया हूँ गाड़ियों का। अच्छा, आए आए भाई जान, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साकिब भी बता रहे थे आप दो गाड़ियाँ बेच रहे हैं वो। हाँ, आए, आप आराम से बैठ के बात करते हैं, इधर आ जाएं। आ जाएं, इधर बैठते हैं, यहाँ बैठ के आराम से डिस्कस कर लेते हैं जो भी इसका रेट वगैरह है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो साकिब, तुमने गाड़ियाँ दिखा दी है ना इनको? हाँ, माको मैंने इनको गाड़ियाँ दिखा दी हैं, तो इनको पसंद भी आई हैं वैसे गाड़ियाँ। जी, साकिब ने मुझे गाड़ियाँ दिखा दी थी। मॉडल कौन से इन गाड़ियों की माइकल भाई? जी सर, जो प्रियस आपने देखी है वो 18 का मॉडल है, और जो निसान अल्टीमा है वो 17 का मॉडल है। अच्छा, तो कितने किलोमीटर चली हुई हैं ये गाड़ियाँ? जी, वो मीटर पे आप देख सकते हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो बड़ी स्मूथ तरीके से हमने चलाई हुई हैं। कोई रिपेयर वगैरह इसमें नहीं कराया हुआ, बिल्कुल परफेक्ट और फाइन कंडीशन में है। आप चला कर देख लो, आप उसकी जो है वो हैंडलिंग देख लो, ठीक है, पिकअप देख लो दोनों गाड़ियों का, आपको टोटली जो है आप सेटिस्फाइड होंगे इन दोनों गाड़ियों से, गारंटी है। अच्छा, मैं आप पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि साकिब भाई जो हैं वो काफ़ी पुराने जानने वाले हैं। सैंडी शोर अक्सर मैं जाता था, कोई भी गाड़ी रिपेयर करानी हो या गाड़ी लेनी हो तो साकिब भाई से मैं कांटेक्ट करता था, और उन्होंने मुझे आपका बताया है। अच्छा, तो फिर आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, साकिब मेरा भी बहुत पुराना दोस्त है। हो बोलो, आप वाकई भाई पर ट्रस्ट कर सकते हैं, गाड़ियाँ आपको ये बिल्कुल अच्छे रेट पे देंगे। अच्छा, तो माइकल भाई, ये जो मैंने गाड़ी देखी है, ये आप दिखा सकते हैं? सुजुकी पता नहीं कौन सी खड़ी है। अच्छा, ये जो पीछे डिस्प्ले में लगाई हुई, आए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। हाँ प्लीज़, मुझे वो आप दिखा दीजिए। आ जाए आ जाए, आप वो गाड़ी भी देख लें, शायद आपको वो भी पसंद आ ही जाए। ये गाड़ी दरअसल मैंने एक्चुअली कल ही मंगवाई है, सुजुकी वैगन आ रहा है, चेक कर लें आप, 2020 का मॉडल है। कल ही साकिब जो है एयरपोर्ट से शिपमेंट इसकी लेकर आया है। जी, मैं देख रहा हूँ, इसको बहुत प्यारी गाड़ी है ये वैसे। गाड़ी तो मुझे ये भी पसंद आ रही है, अंदर से मैं देख लेता हूँ इसका इंटीरियर।
गाड़ी अच्छी है यार, ये भी उठा लेता हूँ यार इस माइकल से, अगर मुनासिब रेट पे देगा तो उठा लूँगा। अच्छा तो माइकल भाई, इस गाड़ी का भी ज़रा रेट ज़रा तय करते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा तो आपको ये गाड़ी भी पसंद आ गई है? जी, मुझे ये गाड़ी भी अच्छी लगी है। वैसे गाड़ियाँ मैं हर 6 महीने बाद चेंज करता रहता हूँ, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, इस वजह से मैं कह रहा था। ठीक है सर, आप ये भी गाड़ी ले लें, सुजुकी वैगन आर भी आप रख लें, और बाकी जो 2 गाड़ियाँ नीचे खड़ी हैं, निसान और प्रियस, वो भी आप ले जाएं, मैं आपको मुनासिब रेट दे देता हूँ। हाँ, आप मुझे रेट बता दें प्लीज़। सुजुकी वैगन आर आप 19 लाख की ले लें, क्योंकि 20 मॉडल है और कल ही शिपमेंट से इसको लेकर आए हैं। और इसके अलावा प्रियस के आप दे दें 14 लाख, और निसान की आप दे दें 18 लाख। थोड़ा रेट आप ज़्यादा नहीं बता रहे? नहीं नहीं रेट बिल्कुल मुनासिब है सर, आप साकिब से पूछ लें। क्यों साकिब? जी, भाईजान रेट बिल्कुल इनके मुनासिब हैं। आ जाएं आप, नीचे ही पेमेंट कर दें, नीचे कैशियर है, आ जाएं। जी वो रेट का थोड़ा, आ जाएं कोई मसला नहीं है, रेट का कर लेते हैं, आ जाएं कोई मसला नहीं। और जो भाईजान रेट हो जाएगा, आ जाओ आ जाओ। आए सर, ये आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन रेट थोड़ा आप कम कर देते तो अच्छा था ना। अरे कोई नहीं सर, आप जानने वाले हैं, कर दें, खैर है पेमेंट। इंशाल्लाह आगे भी कोई गाड़ी आएगी, सबसे पहले हम आपसे कंटेक्ट करेंगे। फरजाना ज़रा इनसे पेमेंट ले लो। अच्छा चलिए ठीक है, कर देता हूँ कर देता हूँ। हाँ ज़बरदस्त, गुड, ओसम हो गया, ओसम हो गया। आ जाए भाईजान आप गाड़ियाँ ले लें। जी, तो भाईजान मैं कह रहा था गाड़ियों के लिए वो मैं ट्रेलर लेके आऊँगा तो उठा के ले जाऊँगा तीनों गाड़ियाँ। ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं है, आपकी गाड़ियाँ इधर ही पड़ी हैं, आप ट्रेलर ले आएँ, पेमेंट हो चुकी है, आप गाड़ियाँ ले जाएँ। और साकिब इनको तो छोड़ आई, ठीक है? जो मौके पर मैं इनको छोड़ूंगा। ठीक हो गया सर, साकिब आपको छोड़ आएगा, और जब ट्रेलर आएगा ना, साकिब गाड़ियाँ ट्रेलर में रखवा भी देगा। ओके हो गया सर? जी भाई, जी माइकल भाई, ओके हो गया, ओके हो गया। नहीं तो जमीला का कब से मैं मैसेज के रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा हूँ, कर ही नहीं रही है यार, पता नहीं कितनी मसरूफ है यार। रिप्लाई कर दो जमीला, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, पता नहीं किधर मरी पड़ी हुई है। ओहो आ गया, रिप्लाई आ गया। उसको बोलता हूँ तुम्हारी बहुत याद आ रही है। उस तो पास इसका एटीट्यूड तो देखो, इसको किसी दिन डेट के लिए इन्फोर्स करता हूँ।
मान जाए यार, बस अल्लाह करे मान जाए, मान जाए बस। मान गई मान गई, वो शुक्र है। आज डेट पे जाऊंगा इसके साथ। उफ और जो वर्जन मैं आपको छोड़ देता हूँ। अच्छा ठीक है, ओके भाई जान, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया आपका। ओके भाई जान, तो भाई जान आपको गाड़ियाँ तो पसंद आ गई है ना, तसल्ली बख्श है ना। हाँ जी, गाड़ियाँ पसंद आ गई हैं मुझे, शुक्र है यार, गाड़ियाँ बिक गई हैं। सुजुकी वैगन आर तो एक ही दिन में निकल गई है यार। जिमी इधर कब का खड़ा हुआ है? ओए जिमी, ओ जिमी, ओए यार तुझे आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी पापा, सुन रहा हूँ। सुन रहा है तो यार जवाब देना, 3 दफ़ा बोल चुका हूँ। और तू कब से मोबाइल के साथ लगा हुआ है यार? ओ हाँ 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 पापा, बोले क्या हुआ? अबे साईं, तुझे होश भी है कि नहीं यार, गाड़ियाँ बिक गई हैं तीनों के तीनों, अभी डील हुई है मेरी। हैं सच में पापा? वाओ। अबे यार जिमी, तू किधर गुम हुआ है यार? उससे मैंने डील की, कम से कम तू साथ तो होता, पता तो चलता तुझे रेट का। वो पापा, वो दोस्त से बात कर रहा था बस। अच्छा, मैंने तुझे सामान लेने के लिए भेजना था, शोरूम का कुछ सामान मंगवाना है मैंने। वो पापा, साकिब भाई को भेज दो ना, मैं नहीं जा सकता। तेरा जाना लाजमी है यार, साकिब भी जाएगा तेरे साथ, क्या हो गया? ओ पापा प्लीज़, मैं नहीं ना जा सकता पापा, समझो ना। अबे क्या समझो यार, क्यों नहीं जा सकता तू? पाँव में तेरे छाले निकले हुए हैं क्या? पापा वो दोस्त के पास जाना है, वो मुझे बुला रहा है। जिम्मी या तो फिर एक काम कर, तू अपने दोस्तों को संभाल ले, या तो फिर ये शोरूम संभाल ले, ठीक है? एक काम ही होगा फिर। पापा बस आज जाने दो ना, कल से पक्का चला जाऊंगा, सामान ले आऊंगा, प्लीज पापा। उफ यार जिमी, एक तो तू कल रात को भी गायब हो गया था और आज भी तू ड्रामे कर रहा है, मुझे तेरी समझ नहीं आ रही है। पापा प्लीज प्लीज। अच्छा चल ठीक है। और पापा पैसे चाहिए थे कुछ। पैसे किस लिए चाहिए भाई? पापा जरूरत है ना, दे दो। कितने, 100 या 200?
नहीं पापा यार, थोड़े 15-20 हज़ार दे दो यार प्लीज पापा। दिमाग तेरा ठीक है? 15-20 हज़ार तू क्या करेगा ओए? पापा पापा यार दे दो ना, जरूरत है ना प्लीज पापा। हाँ सही है, ले जा 15-20 छोड़, बल्कि 2-3 लाख ले जा, ठीक है ना? शोरूम भी बंद कर देते हैं, ठीक है, बल्कि बेच देते हैं शोरूम भी, और फिर से दोबारा रोड पे आ जाते हैं, ठीक है ना? अभी हालात ठीक हो रहे थे जिम्मी यार, थोड़ा बिजनेस ग्रो हो रहा था, अब तूने जिद पकड़ ली है पैसों की। पापा यार अभी आपने गाड़ियां बेची हैं यार, कितने पैसे मिले हैं, क्यों कंजूसी कर रहे हो, दे दो ना। उफ यार पता नहीं तू कैसे समझेगा। अच्छा ये ले ले ले। हाँ दे दो पापा दे दो, थैंक यू थैंक यू। ओके तो जल्दी आ जाइए। हाँ हाँ जल्दी आऊँगा जल्दी आऊँगा। सी यू पापा। हाँ हाँ सी यू सी यू। शुक्र है पापा ने 20 हज़ार दे दिए हैं। अभी जाता हूँ ना सीधा, कटिंग कराता हूँ बालों की, उसके बाद टैटू बनवाऊँगा, उसके बाद अच्छे से कपड़े लूँगा, लेकिन पहले जाता हूँ बार्बर के पास कटिंग कराता हूँ। आपके भाई की यार पहली पहली डेट होगी यार, बन ठन के जाना है, लेकिन यार शिट मेरान है मेरे पास इस वक्त, पापा ने वो गाड़ियाँ भी भेज दी हैं, वही गाड़ियाँ मैं ले जाता। चलो यार अब मेरान भी गुजारा करना पड़ेगा, कटिंग करा लेता हूँ पहले जाकर। इधर गया नहीं, इधर कोई भी नहीं है। हाँ जी भाईजान क्या कराना है आपने? नाई की दुकान पे और क्या करा सकते हैं कटिंग के अलावा? जी कटिंग ही करा सकते हैं। हाँ तो कटिंग ही कराने आए हो ना, अच्छे से बाल काट दो यार। अच्छा भाईजान बैठे हैं आप इधर जी, किस तरह से बनवाने हैं आपने बाल? यार बस फिर से चौकस बाल कर दो, जो आजकल का नया डिजाइन चल रहा है ना। ठीक है मैं कर देता हूँ। ये लें भाईजान आपकी कटिंग हो गई है। ओके भाईजान ठीक है। चलो यार कटिंग भी हो गई है, अभी दूसरा काम रह गया टैटू वाला, अब टैटू बनवाना है यार। टैटू वाला यार वैसे घर के करीब उसकी दुकान है, उसी से ही बनवा लेता हूँ, थोड़ा इम्प्रेस हो जाएगी ना जमीला मुझे देख के। अब पहली पहली डेट है आपके भाई की तो करना पड़ता है ना, फिर उसके बाद गुच्ची की शर्ट भी लूँगा। पापा से 20 हज़ार लिए पूरे, आगे इसी तरफ दुकान थी टैटू वाली। यार ये वाली तो बंद है, एक आगे भी है दुकान, उससे से पूछता हूँ। हाँ इस रोड पे थी। हाँ वो आगे कॉर्नर वाली दुकान है। अबे इससे क्या हो गया यार? ओ हेलो, बदमाशी चढ़ी हुई है तुझे? हाँ ये ले अब खा कुट ले मज़े। जिम्मी से लड़ता है ये, इसे अभी मेरा पता नहीं है। हेलो भाईजान, जी भाई। भाईजान यार टैटू बनवाना है यार। अच्छा उधर बैठे हैं आप? जी भाईजान कहाँ पर बनवाना है? भाईजान इधर बाजू पे बना दें, लेग्स पे भी बना दें,
और चेस्ट पे भी बना दें, शोल्डर पे भी बना दें, लेकिन अच्छे से बनाना यार भाईजान, डिज़ाइन अच्छा हो बस। अच्छा, ठीक है कोई मसला नहीं। ओके भाईजान, कर दिया भाईजान, डन हो गया। शुक्रिया भाईजान। कितने पैसे? ये ले भाईजान, शुक्रिया आपका। अबे यार एम्बुलेंस नहीं आई इसको उठाने के लिए, मरा पड़ा मैं इधर ही। निकलो इधर से यार जल्दी जल्दी, ऐसे कोई फड्डा ना पड़ जाए, आज मेरी डेट है, और कहीं किसी दूसरे पुठे कामों में ना फंस जाऊं। अभी 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 बस जाना है कपड़े लेने के लिए। अच्छी सी शर्ट लूँगा गुच्ची की, और शूज़ लूँगा, और जीन्स भी लूँगा। जमीला देखेगी ना तो उसको पता चले यार मैं कितने ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ, ऐसे ही वो इम्प्रेस होगी ना। चलो यार होपफुली इसके पास गुच्ची की शर्ट होगी। इधर आके जा के देखता हूँ। ये वाली ठीक है? नहीं 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 ये वाली नहीं, हाँ ये ठीक है, चलो यही ले लेता हूँ। और इधर से ट्राउज़र भी देख लेता हूँ। हाँ ओके हो गया, बिल बनवा लेता हूँ अभी इससे। कितने पैसे हो गए भाईजान? जी 10,000। ओह 10,000। अच्छा ये ले ये ले। चलो यार पहली पहली डेट का खर्चा तो करना पड़ेगा ना। अभी उसको डेट पे लेके जाऊंगा रेस्टोरेंट पे, तो वहाँ के लिए भी पैसे चाहिए, काफ़ी खर्चा हो जाएगा यार मेरा तो। 20,000 पापा से ले लिए थे और कुछ मेरे पास भी थे, तो चलो यार होपफुली काम चल जाएगा। अभी मेरे पास टोटल 6,000 बच गए हैं। 6,000 में हो जाएगी मेरी डेट? यार अगर बड़े रेस्टोरेंट पे गया फिर तो 15-20 हज़ार तो सिर्फ खाने का लग जाएगा। अरे यार एक तो गाड़ी नहीं संभल रही मुझसे, एक्साइटमेंट इतनी है ना, ऊपर से यार शर्म भी आ रही है यार, मेहरान पे जाऊंगा मैं डेट पे, कितना ऑकवर्ड लगेगा यार, जमीला देख के कहीं उसकी हंसी ना निकल जाए। चलो यार आप कोई और ऑप्शन भी नहीं है ना, पापा को भी आज ही गाड़ियाँ बेचनी थी, दूसरी मैं ले जाता। अच्छा चलो अभी जाके फटाफट से चावल लेके ना कपड़े चेंज करता हूँ। चेक करो यार भाई की गुच्ची की टी शर्ट, और टैटू भी चेक करो यार, टैटू अच्छा बनाया है, दोनों बाजुओं पे बनवाया है यार भाई, 10,000 के टैटू बनवाए हैं, 6,000 की तो सिर्फ टी शर्ट पहनी है भाई। शूज़ चेक करो भाई के शूज़, जीन्स भी चेक करो, कैसा लग रहा है आपका भाई, मानते हो फिर? कह रहे भाई जाके दिखाता हूँ, आप देखो, लग रहा हूँ ना पप्पू, पप्पू बच्चे लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा, कमेंट में ज़रूर बताना। और यार मुझे अभी समझ नहीं आ रही है कि ग्लासेस पहनूं कि ना पहनूं, या सर पे हैट पहन लूँ। चलो यार ग्लासेस ट्राई करता हूँ, ग्लासेस पहन लेता हूँ, अच्छा लगूँगा। अब चेक करूँ यार, लग रहा हूँ ना हीरो, बस यार आपके भाई की पर्सनैलिटी ऐसी है, जमीला तो मुझको देखती ही लट्टू हो जाएगी, पिघल जाएगी उधर ही खड़े खड़े, है कि नहीं?
चलो यार, टाइम हो गया, शाम हो गई है यार। 6 बजे का उसको बोला था, उसको पिक करूंगा। उफ यार, एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा हो रही है। एक तो ये मीरान देख के यार गुस्सा आ रहा है मुझे, क्या करूं, बिसी भी जाना पड़ेगा यार। एक तो एक्साइटमेंट इतनी हो रही है यार, आपके भाई की पहली डेट।